मुझे ये जो गृहस्थ जीवन है ये अंडकूप के समान लगता है। इसमें मेरी इच्छा होती है कि मैं अपना समस्त परित्याग करके जंगल में चले जाऊं और जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करूं और एकांत में परमात्मा का ध्यान करूं। जैसे ये बात कही कहा मुझे यह अपने आप में ग्रस्त जो भाव है ये अंधकूप की भांति लगता है। जो इसमें जाता है वो समाप्ति होता है, वो बचने के चांस कम है। बोलो जय। अच्छा, इतना सुनते ही महाराज अत्युष्ट की यह हो गई कि हृदय कृष्ण को पूर्ण आया। अरे बेटा विजय किसने कहा बता। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कदय माम रसा। बेटा फिर से वो झूठ ना बोलो, ये तुझको किसने सिखाया। परंतु प्रहलाद संत हो गए। अब तो महाराज जैसे गुरुदेव को बुलाया संत वर्ग जो शुक्राचार्य के पुत्र दोनों आ गए और दोनों के आने पर पूछा ये सब क्या कह रहे हैं। बोले महाराज हमने तो नहीं पढ़ा। अरे तुमने नहीं पढ़ाया तो कहाँ से सीखा। बोले गुरुदेव हमारा चिंता मत कीजिए, हम इसको पुनः अपने गुरुकुल में ले जाकर के विधिवत इसको जो कर्म है उसको वर्णित कर आज पुनः अपने स्थान पर लेकर के आए। जैसे लेकर के आए पुष्टिया बनने के कुछ समय के बाद पुनः आज गुरुकुल से विद्या अर्जन करके अपने राजभवन में पहुंचे। जैसे राजभवन में पहुंचे पुनः पिता ने आज गोदी में ले लिया और कहा बेटा जो अच्छा लगता है वो सुनो। प्रहलाद सोचने लगे कि पिताजी एक और कहते हैं कि अच्छा सुना और जब अच्छा कहता हूँ तो आपको पुरोड़ा दे। परंतु पिताजी ने पूछा तो अब कहना प्रारंभ किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। आज नवदा भक्ति का वर्णन किया। जैसे नवदा भक्ति का वर्णन किया फिर तो रहा नहीं गया और हिरण्य कश्यप ने उठाया अपने होश से और धड़ाम से फेंक डाला। बोले ले जाओ दुष्ट को। अरे ये हमारे यहाँ चंदन के वन में ये अपने आप में बबूल कहां से हो गया, इसको भ्रष्ट कर डालो। जैसे भी हो ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है मेरा पुत्र बनकर के, इसमें इसको छोड़ो मत। सैनिकों को आज्ञा की इसको समाप्त कर डालो। सैनिकों ने अनेक प्रयास किए, उसको हाथी के नीचे ले गए, सर्पों के बीच में रखा, विष भरा प्याला दिया, पर्वत से नीचे फेंका, समस्त प्रयास किए परंतु कोई भी कारण उसको भ्रष्ट करने का नहीं।